नमस्कार, मैं दीपांजलि बोइत्रा। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए सिर्फ क्रिकेट और पैसा ही सब कुछ नहीं, बात जब हिंदुस्तान की आती है तो वो कितने ही बिजी क्यों ना हो, देश के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई आईपीएल के फाइनल से ठीक दो दिन पहले। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा काम किया जिसे देखकर देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी उन्हें दिल से सलाम ठोका। महेंद्र सिंह धोनी के दिल में देश के लिए कितना प्यार है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब वो क्रिकेट के मैदान में नहीं होते हैं तो देश के जवानों के बीच होते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी सेना से तो उन्हें इतना प्यार है कि क्रिकेट के मैदान में भी वो सेना के बैच वाला ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं। देश की सेना के लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर ही मोदी सरकार ने हाल ही में उन्हें रक्षा मंत्रालय की एक समिति में अहम जिम्मेदारी दी थी, जिसका काम है एनसीसी को पहले से और अधिक बेहतर बनाना। इस हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित धोनी के साथ ही आनंद महिंद्रा भी शामिल है। यही वजह है कि आईपीएल के फाइनल से ठीक दो दिन पहले जब इस अहम कमिटी की वर्चुअल मीटिंग हुई तो आनंद महिंद्रा के साथ ही धोनी ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एक तरफ जहां एनसीसी से जुड़ी ये अहम मीटिंग थी, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को दो दिन बाद ही फाइनल खेलना था। लेकिन इसके बावजूद धोनी ने आईपीएल के फाइनल से ज्यादा तरजीह एनसीसी को बेहतर बनाए जाने के लिए बनाई गई इस हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी में हिस्सा लेने को दी। यानी इस तरह से उन्होंने पहले मीटिंग में हिस्सा लिया और बाद में आईपीएल के फाइनल के लिए भी तैयारी की। जिस तरह से धोनी ने मीटिंग और फाइनल के बीच बैलेंस बनाया, उनकी इसी लीडरशिप के आनंद महिंद्रा भी दीवाने हो गए। उन्होंने आईपीएल का खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी की तारीफ करते हुए लिखा, आईपीएल के फाइनल से दो दिन पहले हुई एनसीसी रिव्यू पैनल की सब कमिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में धोनी शामिल थे, जहां वो न केवल अच्छी तरह से तैयार थे बल्कि बैठक के दौरान अपनी स्पीच से सबको प्रभावित भी किया। जब मैंने आईपीएल के दबाव के बावजूद समय निकालने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया तो वो इस दबाव की बात पर हंस पड़े। एक और ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने धोनी से बातचीत में सीखे गए सबक के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, धोनी की लीडरशिप से हमें ये सबक मिला कि जिंदगी में कैसे चीजों को बैलेंस किया जाता है। जिंदगी प्रभाव डालने वाले अवसरों से भरी पड़ी, सिर्फ एक लक्ष्य के प्रति जुनूनी न होने पर भी आप फोकस हासिल कर सकते हैं, यानी एक बार में कई कामों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये विरोधाभासी है लेकिन सच है। कुछ लक्ष्यों पर एक साथ काम करें, प्रत्येक कार्य में आप अधिक स्पष्ट नेतृत्व वाले, शांत और रचनाशील होंगे। आनंद महिंद्रा ने जितनी भी बातें बताई हैं, दिलचस्प बात यह है कि धोनी लंबे समय से इन गुणों के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। मैच के दौरान कितना भी टेंशन भरा माहौल क्यों ना, धोनी विकेट के पीछे हमेशा कूल माइंड होकर खड़े रहते हैं और मैच पर पकड़ बनाने को लेकर प्लान बनाते रहते हैं, जिसका परिणाम जीत के रूप में सामने आता है। कुछ ऐसी ही है धोनी की लीडरशिप, जिस पर अरबों के कारोबारी आनंद महिंद्रा न सिर्फ फिदा हो गए बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने धोनी से ये सबक सीखा है कि जिंदगी में कैसे बैलेंस करके चला जाता है। आपको बता दें, ये धोनी की लीडरशिप का ही कमाल है कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। और ऐसा नहीं है कि खिताब जीतकर वो भारत लौट गए, बल्कि सीएसके की जिम्मेदारी निभाने के बाद धोनी अब देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी भी यूएई में ही रुके हुए, जहां T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। इस वर्ल्ड कप के दौरान धोनी भी टीम इंडिया के साथ ड्रेसिंग रूम में मेंटर के तौर पर रहेंगे। इतना ही नहीं, इस काम के लिए उन्होंने बीसीसीआई से एक भी पैसा नहीं लिया। वो चाहते तो आईपीएल ट्रॉफी जीतकर आराम से भारत लौट जाते और घर में बैठकर वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाते, लेकिन उन्होंने इससे बेहतर वर्ल्ड कप में भारत की मदद करना समझा और मेंटोर की जिम्मेदारी निभाई।